All right. सबसे पहले नंबर पे अभी तक जो हम डिविजन पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स उनको जरा रिवाइज़ कर लें। the first group was the plants और उन plants का नाम था ब्रायोफाईट्स. Okay? ब्रायोफाईट्स के बाद हमने देखा कि वेस्कुलर प्लांट्स का आगाज हुआ है और उस ग्रुप का नाम हमने रखा ट्रेक्योफाइट्स के अभी तक हम जो ग्रुप्स पढ़ के आए हैं हैंडा ओके लाइक एंड स्पीन इसके बाद अब वेस्कुलर प्लांट्स के और एवोल्यूशन के प्रोसेस से होते हुए आज इस लेवल पे हम खड़े हैं कि अगला ग्रुप जो है इज और इस को किन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ये मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द दिडा दीज आर वेस्कुलर प्लांट्स लेकिन इनको फर्दर हम डिवाइड करेंगे तीन मुख्तलिफ क्लासेस में ऑलराइट द फर्स्ट वन आर फिलिस्टनी नंबर टू जिम्नोस्पर्मी एंड नंबर थ्री एनजीओ स्पर्मी और ये तीन मुख्तलिफ क्लासेस हैं जो फर्दर सिक्वेंस में हम इंशाला स्टडी करेंगे अब सबसे पहले नंबर पर जो फिलेस्टिनी है इसके साथ हम एड करते चले no seeds, no flowers and no fruits. All right, ये तीनों फीचर्स किसके लिए मैंशन कर रहे हैं फिलेनी के लिए तो इसका मतलब ये सिंपल वेस्कुलर प्लांट्स हैं अभी भी जिनके अंदर हमें ना तो फूल नजर आ रहे हैं ना फल नजर आ रहे हैं और ना ही सीड्स नजर आ रहे हैं ना कोई बीज बन रहे हैं दूसरी तरफ जिम्नोस्पर्मी की अगर हम बात करें तो इनमें सीड्स प्रेजेंट राइट but no flowers and no fruits. इनके अंदर ना हमें कोई फूल नजर आएंगे ना कोई फल नजर आएंगे लेकिन बीज जो पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से हम इनको सीडेड प्लांट्स कहते हैं और जो नाम है इनका जिम्नोसपर्मी नेकेड सीडेड यानी कि इनके ऊपर कोई कवर या कोई शेल वगैरह मौजूद नहीं होगा फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप जो हमारे पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स दैट इज एनजीओस्पर्मी और एनजियोस्पर्मी के फीचर्स कौन कौन से हैं? इट पजेस ऑल ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव हियर सीड्स प्रेजेंट ऑलराइट राइट प्रेजेंट एंड फ्लावर्स प्रेजेंट ऑल राइट तो ये तीनों क्लासेस हैं जिनको वन बाय वन अब हम फर्दर डिटेल में लेके जाते हैं सबसे पहले नंबर पे जो अभी हम आगाज करने जा रहे हैं इज़ इज़ ओके? सो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ़ ऑफा एंड दे आर नोन एज फर्स कॉमन नेम इनका फर्न और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फर्न को हम अगेन ब्रायोफाइट्स के साथ अगर रिलेट करें तो हम यह कह सकते हैं कि जस्ट लाइक द ब्रायोफाइट्स फर्न आर मॉइस्चर एंड शेड लविंग प्लांट्स ओके ये ऐसे पौधे हैं जो ज्यादातर सायादार जगहों पर रहना पसंद करते हैं और साथ ही साथ इनको मॉइस्चर का लेवल ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द हायर आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स ओके जो हमारे गिर्द पौधे मौजूद हैं वो फिर भी निस्बतन कम पानी में गुजारा कर सकते हैं लेकिन फर्न को उनकी हैबिटेट की ये रिक्वायरमेंट है कि वो ऐसी जगह पे पाए जाएं जहां पे नमी और साया दोनों प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम अवेलेबल ऑलराइट right? इसके जनरल फीचर्स हम मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले यहां पे फर्स्ट थिंग इज देआर सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स ऐसे पौधे हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज तो मौजूद हैं जयलम और फ्लोइम कंडक्टिंग स्ट्रेंड्स वगैरह भी मौजूद है लेकिन इनके पास कोई बीज बनाने वाली सलाहियत अभी तक डेवेलप नहीं हुई फिर इसके साथ ही साथ जो इनका एक अडाप्टिव फीचर या यूं कह लें कि इनका एक एडवांस फीचर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ग्रुप्स वो क्या है ट देअर स्पुरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन लीव्स और राइट जिसकी वजह से इनके लिए एक मखसूस टर्म यूज की जाती है दर एज फोलियर स्पुरेंजिया के इनके जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हैं वह पत्तों के ऊपर मौजूद हैं तो पत्तों की मुनासबत से हमने इनका नाम रख दिया फोलियर्स एंजिया right. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के सवाल के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और वो क्या है वट आर फ्रॉन्स सो वट यू नो अबाउट फ्रॉन्स फ्रॉन्स आर द लीव्स ऑफ फर्नस ऑल राइट फर्स के जो पत्ते होते हैं उनके लिए हम ये स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज फ्रॉन्स और फ्रॉन्स की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए छुपा हुआ है और वो क्या है वट इज सर्सिनेट वर्नेशन जी स्टूडेंट्स ये टर्म आपने पहले पढ़ी हुई है अगर नहीं तो अभी इसको समझ लें Sucinate Venetian Caches, The young leaves, they are also known as fiddle heads of ferns, are coiled when immature.

अब ये बात भी याद रखिएगा कि जैसे जैसे लीव्स की ग्रोथ होती चली जाए तो साथ साथ ये देख लेते हैं यहां पे। right. अब देखें, यहां पे ये आपको बहुत सारे लीव ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं इनकी ग्रोथ के अंदर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि जब ये अंडरग्राउंड राइजोम से या स्टेम से निकल रहे थे तो इनके पास इनका स्टाक मौजूद था और छोटी छोटी पत्तियां पहले से इनके साथ बन चुकी हुई हैं लेकिन जैसे ही ये ऊपर की जानिब ग्रो करते हुए आए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टर्गर प्रेशर और आयंस की मूवमेंट की वजह से ये अनकॉइल होते चले जाते हैं और इनकी इस अनकॉइलिंग जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये फ्रंट्स बाद में फैलते और खिलते चले जाते हैं ऑलराइट तो ये जो कॉइल्ड फीचर इनके पास है दिस इज नोन एज सर्सिनेट वर्नेशन और जब ये कॉइल्ड स्टेट में मौजूद हैं उस वक्त हम इन लीव्स को कहते हैं फिडल हेड्स और याद रखिएगा इस्तेमाल किया जाता है इसको ग्रीन वेजिटेबल्स के तौर पे मुख्त किस्म की जो डिशेज है उनमें एड करके फूड के कम्पोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट देखें तो हम बात करते हैं हैबिटेट कि ये जो फिलनी फर्नस वगैरह हैं, ये हमें किस किस्म के एनवायरमेंट में नजर आ सकते हैं तो जैसे कि अभी आगाज की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया, कैन बी फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस ऑलराइट फिर उसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि दे आर वर्ल्ड वाइड In distribution, but more common in tropics. All right. अब ये वाली चीज स्टूडेंट जो दो वर्ड्स जो दो अलग-अलग से पॉइंट्स हमने बनाए हैं यहां पे एक तो आप याद रखिएगा इसके अंदर मैंने ट्रॉपिक्स की टर्म यूज किया है राइट right. और दूसरे नंबर पे मैंने ये टर्म यूज किया वर्ल्ड वाइड इसका मतलब ये है कि ये मौजूद तो सारी दुनिया में है पाए भी जाते हैं हर जगह के ऊपर लेकिन उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनका एवोल्यूशन का ड्यूरेशन अब याद रखिएगा कि उस दौर में ये अपीयर हुए और बहुत ज्यादा फैलते चले गए दुनिया के ऊपर जब मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा हाई था और जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था ऑलराइट right? तो घने जंगल जहां पे डेंस किस्म की पॉपुलेशन है दरख्तों की उन दरख्तों के साय में ग्रो करने वाले जो पौधे थे देवर फर्नस और यही फर्न जो है स्टूडेंट्स इनको रिलेट किया जाता है विद द एज ऑफ डायनोसोर के उस जमाने में ये सबसे ज्यादा जमीन के ऊपर ग्रो करते हुए नजर आ रहे थे All right? तो याद रखें कि ये आम पे ऐसी जगहों पे आपको नजर आएंगे जहां पे नमी भी ज्यादा है और साया जितना ज्यादा होगा फर्स उतने ज्यादा वहां पे मौजूद होंगे और यहां पे एक हमारे जो नॉर्मली हम किचन गार्डनिंग वगैरह की टिप्स घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें आप याद रखिएगा कि इनडोर अगर आपको शौक है कुछ पौधे वगैरह रखने का तो उस सूरत में फर्न आर वन ऑफ द बेस्ट चॉइसिस क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इनकी बिल्कुल नॉर्मल होती है तो ये बाकी पौधे जो आप लोग अपने घरों में रखते हैं उनकी तरह इनके गमलों या इनके साइज के फैल जाने से आपको कोई भी यूं समझें कि खौफ या खतरा नहीं रहेगा बल्कि इनका साइज ही एक डेढ़ फुट या मैक्सिमम ढाई फुट तक होता है तो इस वजह से आप इसको इनडोर गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फिर उसके बाद स्टूडेंट दे हिली एरियाल एज as पैदानी well इलाकों में भी पाए जा सकते हैं ऑल राइट right? फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और चीज अगर हम मैंशन करें तो वो है अगेन मैं एक नई टर्म आप लोगों को दोबारा से बताना चाह रहा हूं द टर्म इज फिडल हेड्स और फिडल हेड्स क्या होते हैं द कॉइल्ड लीव्स ऑफ द फर्नस ओके फर्न्स के जो लीव्स हमें बलदार या कॉयल्ड फॉर्म में नजर आ रहे हैं उस खास टर्म को हम कहते हैं फिडल हेड ये जो इनके लीफी स्ट्रक्चर हैं राइट कॉयल लीव्स ऑफ फर्न्स एट देर Immature stage. All right, students. So these are some the general features about the class Phylum. Okay. its representative member Students, I'm discuss. And that is adientum. adientum. Now, students, adientum is one of the members of class Phylum. इसके अलावा और भी मेंबर्स हैं जिनके नाम आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के लिए जरूर याद रखिएगा अभी मैं के लिखूंगा लिहाज से याद रखेंगे करता चला लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सवाल दो तरह से पूछा जाता है एक तो ये सवाल पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन एडियंटम ओके उस सूरत में आप स्ट्रक्चर भी लिखेंगे और साथ इसके लाइफ साइकिल वाला सारे का सारा पोर्शन आपने लिखना है लेकिन

एज आई सेड द शुड बी मॉइस्चर लविंग एंड वॉटर कोर्सेस अच्छा जी अब ये चीज तो मैंने बता दी कि मॉइस्चर लविंग है नमी के करीब पाए जाते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसी जगह जहां पर मुसलसल नमी रहती है दीवारों के ऊपर वहां पर आपको एडियंटम नजर आ सकता है और उसके साथ ही साथ जो अगली चीज मैंने मेंशन किया स्टूडेंट्स वाटर कोर्सेस अब ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है कहीं से भी पानी बह रहा हो तो वो उसकी गुजरगा वो जो गुजरने वाली जगह है उसको हम कहते हैं वाटर कोर्स इसमें हम अपने इर्द गिर्द मौजूद गली मोहल्लों के अंदर जो नालियां हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि आमतौर पर हमारे अंदरून शहर के अंदर इस किस्म की गलियां भी मौजूद हैं कि जहां पर धूप जो है दाखिल ही नहीं हो सकती वो इतनी करीब और इतनी ऊंची ऊंची बुलंद दीवारें बन चुकी हुई हैं अब वहां पे अगर नालियां हैं और उनमें से पानी गुजर के जा रहा है तो यह भी मुमकिन है कि उसकी साइड पे ही आपको एडियंटम ग्रो करता हुआ नजर आ जाए ऑल राइट सो एडियंटम इज मॉइस्चर लविंग फर्न फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज आप याद रखेंगे दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एरियंटम इट इज अ फर्न और जो कंपोनेंट हमें प्लांट का नजर आ रहा है इट इज अ स्पोरोफाइट ओके इसमें क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं आपको यू कैन ऑब्जर्व